ये जोशीमठ में एक मकान है। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी बुरी हालत में है मकान। देखकर लग रहा है कि किसी भी वक्त गिर सकता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक कमरा है, लिहाजा आप देख सकते हैं लिविंग रूम रहा होगा। अंदर एक और कमरा है, सीढ़ियाँ पूरी तरीके से गिर चुकी हैं कमरे, और इधर से भी दरारें बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। ऐसा लगभग तब होता है जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, हथौड़े से तोड़ा जाता है दीवारों को। रिस्क है बहुत ज़्यादा। आप इस वाली दीवार पर देखेंगे तो ये जो विंडो के साथ वाला सपोर्ट होता है पूरी तरीके से हिल चुका है और बाहर आ गई हैं ईंटें, लिहाजा कभी भी ये मकान गिर सकता है, जिसके चलते मकान वाले बाहर रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर के बाहर वो सड़क पर खड़े हैं, जो विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। और उनकी जो मांग है प्रशासन को लेकर यही है कि इस मकान को तोड़ने के बाद जो मुआवजा होगा, उस मुआवजे को पहले तय किया जाए और लोगों को बताया जाए कि कितना एवेल्यूएशन इस मकान का लगाया जा रहा है। क्योंकि प्रशासन ने मकान को तोड़ने के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि दरारग्रस्त मकान है और रहना लिहाजा इसमें किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसके बदले में जो इस मकान के ओनर हैं, उन लोगों को क्या मिलेगा, दंपत्ति को क्या दिया जाएगा, इन सारी बातों पर अभी फैसला होना बाकी है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.